ओके, सो चलिए बात कर लेते हैं टर्मिनल मॉनिटर एंड लॉगिंग सिंक्रोनस। एंड एक और है इसमें, आई गेस मेरे को मेंशन करना चाहिए था, लॉगिंग कंसोल। ओके, सो लेट्स गेट टू द सेम टोपोलॉजी वी हैव इन GNS3। और मैं राउटर वन का एक्सेस ले लेता हूँ यहाँ से। अब मैं पुट्टी से नहीं ले रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना? तो अब मैं बस राउटर से क्या कर रहा हूँ, यहीं से कंसोल ले रहा हूँ। यहाँ से आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे एंड कंसोल, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे आप इस तरह से, तो ये हमें राउटर वन का इंटरफेस दिखा देगा। ऑलराइट, चलो तो इसको मैं यहाँ से उठा के और ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे मैं राउटर वन पे हूँ और इसका मैंने एक तरह से कंसोल एक्सेस है, ये फिजिकल एक्सेस है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो पहली चीज़ है, अगर मैं एग्जिट करूँ यहाँ से, मतलब कि आपने सिस लॉग पढ़ा होगा, तो ये मैसेजेज आपको दिखेंगे यहाँ पे, है ना? ये देखो, ये लिखा है सिस, तो ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी आपको, कंसोल की स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ फिलहाल, है ना? तो एक मैसेज जनरेट करता हूँ, मैं इसको शट डाउन करूँ। अब मैं मान लो कुछ कर रहा था, इसको शट डाउन करके, और बीच में ना फिर कोई मैसेज आ जाएगा। अच्छा, अभी आई गेस मैंने वो डिसेबल तो नहीं कर रखी, लॉगिंग कंसोल इनेबल कर देता हूँ, ठीक है? इंटरफेस F0/1, तो ये लॉगिंग कंसोल इनेबल ही रहती है। ये मैंने शायद लैब करते हुए टेस्टिंग के टाइम पे बंद करी होगी। तो मैं अगर इसको नो शट करूँ अब, है ना, कोई मैसेज आना चाहिए बीच में, और जब तक मैं कुछ करूँ, ये देखो, तो आप कुछ करने लगोगे और वो मैसेजेस बीच में आएंगे, ठीक है? या तो आप यहाँ से टैब दबाओगे तो आप अपनी प्रीवियस स्टेट पे आ सकते हो, बट स्टिल दीज मैसेजेस आर डिस्टर्बिंग। ये कंसोल पे हैं, तो आप जब कंसोल से एक्सेस ले रहे हो ना, तो ये टेलनेट और SSH वाले टाइम पे नहीं आएंगे, बट स्टिल दीज आर अनोइंग। आप क्या कर सकते हो इसको, एक तरह से नो लॉगिंग कंसोल कर सकते हो, ठीक है? एक तो तरीका ये होता है कि मैं इनको बिल्कुल बंद कर दूं कंसोल मैसेजेस को। तो फिर अगर आप जाओ अपने इंटरफेस पे, तो शट, अब कोई मैसेज आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो फायदा तो हमें पता चल गया भाई, काम करना इजी हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है कि मान लो जो काम के मैसेजेस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो वार्निंग है, वो भी आपको नहीं दिखेंगी। तो आई डोंट वॉन्ट दैट, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो रखूंगा इनेबल, लॉगिंग कंसोल, कंसोल की लॉगिंग को तो मैं रखूंगा इनेबल। एक चीज कर सकते हो आप, लाइन कंसोल में जाके और एक कमांड चला दो, लॉगिंग सिंक्रोनस। इससे क्या होगा, देखो, अगर मैं अब सेम इंटरफेस पे जाऊं और इसको कर दो शट, मतलब कोई मैसेज मैं जनरेट कराना चाह रहा हूं, अब देखो आपको वो जो मैसेजेस आए आगे बैकएंड में, और आप फिर वापस से अपनी कमांड पे आ गए, ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं दोबारा से कि इसको नो शट करूं, और अब मैं लिखता हूं कि चलो जी कुछ भी करने की ट्राई करो, अब देखो, तो वो आपकी कमांड के बीच में नहीं आएंगे, ठीक है? वो मैसेजेस आपको पीछे दिख जाएंगे, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू डू वट एवर यू आर डूइंग नीटली क्लीनली। तो ये एक अच्छी बात है आपकी लॉगिंग सिंक्रोनस से। तो लॉगिंग कंसोल बंद करने की बजाय आप लॉगिंग सिंक्रोनस इनेबल कर लो जाके अपने कंसोल में। ओके, तो सेम चीज एप्लीकेबल है आपकी जो वर्चुअल लाइंस है ना, तो उसके ऊपर भी। अगर मैं R1 से एक्सेस लेता हूँ R2 का सेल, सो लेट्स मेक श्योर वी आर रीचिंग देयर, है ना? सो 10.2, अगर आप एक्सेस लेते हो 10.1 से 10.2 का, देन यू कैन सी इनेबल 1 2 3। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे हमारे मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप एग्जिट करोगे यहाँ 3rd to 2nd, आपको कुछ मैसेजेस दिखने चाहिए, ठीक है? तो पहली बात यही है हमें जो पढ़नी है, वो अगर आप यहाँ से भी देखोगे क्या लिखा है, टर्मिनल मॉनिटर। तो टर्मिनल मॉनिटर का मतलब है कि जब आप रिमोट एक्सेस लेते हो तो उसके कंसोल मैसेजेज आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नो टर्मिन जो टर्मिनल मॉनिटर है वो डिसेबल होती है, ठीक? तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक कमांड चलानी है टर्मिनल मॉनिटर। किस लिए, कि जो आपका फिजिकल डिवाइस है ना, जिसका आपने कंसोल ले रखा है, उसके तो आप लॉग मैसेजेस देख सकते हो, बट एक डिवाइस से जब दूसरे का रिमोट लेते हो टेलनेट या SSH, तो उसके आपको लॉग मैसेजेस नहीं दिखोगे। देखो R1 पे हूं मैं अभी, ठीक, पर R1 से एक्सेस ले रहा हूँ R2 का, तो R2 के मैसेजेस यहाँ R1 पे अब एज ए टेलनेट नहीं दिखेंगे। टर्मिनल मॉनिटर चला दोगे अब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब अगर आप एग्जिट करो, यू शुड गेट अ मैसेज, यू कैन सी हियर
दैट देर इज अ मैसेज। तो ये तो हो गए तुम्हारे कंसोल वाले मैसेज जो आगे। बट यहाँ पे भी सेम चीज अगर आप करोगे कि जैसे मैंने बोला भाई इंटरफेस पे गया मैं F0/0 फॉर एग्जाम्पल है ना, शट डाउन, तो यहाँ एक मैसेज आएगा और आप कुछ करने लगोगे तो वो उसको क्या करेगा, बीच में डिस्टर्ब करेगा, बट उसी को रोक। खैर हमने यहाँ पे ना वही कमांड चला रखी है किसके अंदर, वर्चुअल के अंदर। अगर मैं इसमें जाके ना आपके लाइन VTY 0 to 15 एंड नो लॉगिंग सिंक्रोनस करता, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट होती है, और फिर मैं अगर कुछ ऐसा काम करूं जैसे अब, या तो हो सकता है वो इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है इसलिए उसका मैसेज आया नहीं होगा, ठीक है, या कुछ भी आप ऐसा करो जिससे वो क्या हो जाए, आपको कोई मैसेज जनरेट हो, द पॉइंट इज दिस, ठीक है ना। ये देखो अभी आ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब अगर मैं बोलूं कि कुछ कर रहा होता, जैसे मैं बोलता हूं अभी मैंने नो शट किया आईपी एड्रेस, कुछ लिखना लगा होता मैं, मान लो अब देखो आगे मैसेज बीच में, तो मेरे को टैब दबाना पड़ा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए फिर मैं सेम काम कहाँ कर सकता हूँ, जो मैंने कंसोल लाइन पे किया था वो आप लाइन VTY अपने मतलब वर्चुअल लाइन पे भी कर सकते हो, क्या, लॉगिंग सिंक्रोनस। ये इतनी लंबी वीडियो जरूरी नहीं थी बनानी, बट जस्ट टू शो यू प्रैक्टिकली हमने क्या किया है, ये कुछ चीजें डालनी है, अदरवाइज बस बताना क्या है, दिस इज दिस वन, कि भाई आपको जाके एक तो टर्मिनल मॉनिटर कमांड इनेबल करनी है इफ यू वॉन्ट टू सी द लॉग मैसेजेस ऑफ योर रिमोट डिवाइसेस, और टर्मिनल नो मॉनिटर किसके लिए, अगर उसको डिसेबल करना है तो नो शुरू में नहीं लगता, इसके नो टर्मिनल मॉनिटर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना कि नो टर्मिनल, यहाँ से नहीं चलेगी ये कमांड, ठीक है, अनरिकग्नाइज, तो कैसे चलेगा तुम्हारा, टर्मिनल नो मॉनिटर करके, तो अब तुम्हें नहीं दिखाएगा इसके मैसेजेस, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा क्या है कि अब लॉगिंग सिंक्रोनस तुम्हें कैसे इनेबल करनी है, कैसे डिसेबल करनी है, ये हमने इनेबल करनी है तो लॉगिंग, और नहीं करनी तो नो लॉगिंग। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, है ना।